सुप्रभात। आज हम हिंदी काव्य में गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है तो पढ़ेंगे। और यह कविता गजानन जी ने अपने निजी अनुभवों के आधार पर रचा है, लिखा है। और कवि को यह प्रेरणा कहाँ से मिली इसका जिक्र कवि ने इस पाठ में नहीं किया है। और इस कविता में एक शब्द आया है तुम, जिसका अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाया है, जो कि अपने प्रिय के लिए कवि ने व्यक्त किया है। वो माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, कोई प्रेयसी भी हो सकती है, या उसकी बहन, या कोई और भी हो सकता है। और इसका रहस्य अभी भी बना हुआ है कि कवि ने यह संबोधन किसके लिए किया है। कवि इसी को स्वीकार करता है कि उसके जीवन में जो भी कमजोरी है या उपलब्धि है, जो कुछ भी है उसका, उसमें उसके प्रिय का, जैसा कि हमने बताया, प्रिय उसका कोई भी हो सकता है, उसका विवरण उसने यहाँ कहीं नहीं लिखा है, तो कोई भी हो सकता है, तो उसका समर्थन प्राप्त है उसको। उसकी कवि ने कई सारे विशेषणों का उपयोग किया है, गर्मिली गरीबी, गंभीर अनुभव और विचार चिंतन, भावनाओं की नदी, ये सब मौलिक है, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का बनावटीपन नहीं है। तो इसका पहला पद देखें, जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्मिली गरीबी या ये गंभीर अनुभव सब, यह सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता या भीतर की सहायता या अभिनव सब मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। तो कवि यहां लिख रहा है कि अपने उसी रहस्यमयी प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो भी उपलब्धियां हैं, जो भी कमजोरियां हैं, मैं उन्हें प्रसन्नतापूर्वक खुशी खुशी स्वीकार करता हूं और उन पर गर्व करता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे पास जो भी है वो मेरा अपना है और तुम्हें यह सब प्रिय है। लिखा है कि तुम्हें प्यारा है। और उसने अपनी उपलब्धियों के बारे में बताया कि मेरी गर्व भरी गरीबी, वह गरीबी जिस पर मैं गौरवान्वित होता हूं, अपने आप को गौरवान्वित, गर्व से भरा हुआ महसूस करता हूं, जीवन के गहरे अनुभव, मेरा गहरा विचार चिंतन, व्यक्तित्व की दृढ़ता, भीतर की सरता माने मन में भावनाओं की बहती नदी, मेरे अन्य नए रूप अपने आप में मौलिक हैं, निजी हैं और नए हैं, माने इसको मैंने कहीं से बनावटीपन नहीं दिखाया, इसमें कहीं से किसी से लिया नहीं है, मैंने अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी है ये बनाया है। और इनकी मौलिकता का मूल कारण यह है कि मेरे जीवन में जो भी गतिशील चेतना है, जागृत है माने गतिशील चेतना है, प्रेरणा है या उपलब्धि है, उसमें तुम्हारी प्रेरणा कार्य कर रही है, माने तुम्हारी प्रेरणा से ही प्रेरित होकर के मैं ये सब कर रहा हूं। और संवेदन तुम्हारा है माने तुम्हीने मेरे व्यक्तित्व का निर्माण किया है, इस प्रकार से मेरे व्यक्तित्व में जो भी निखार आया है उसमें
उसमें तुम्हारा पूरा पूरा योगदान है, पूरा पूरा सहयोग है। इसलिए जो कुछ भी है मैं इसको पूरी तरह स्वीकार करता हूं। दूसरे पद में लिखा, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है भीतर वह, ऊपर तुम मुस्काता ज्यों ज्यों धरती पर रात भर पर मुझे मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। कब यहां कह रहा है कि हे प्रिय, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे और हमारे बीच में इस स्नेह का क्या संबंध है। अपने प्रिय को संबोधित कर रहा है कि हे प्रिय, मुझे नहीं पता है कि जो हमारे तुम्हारे बीच में ये स्नेह है इसका क्या संबंध है। मैं तुम्हें किस लिए इतना चाहता हूं, मुझे इतना ही पता है कि मैं इस स्नेह को हृदय से जितना व्यक्त करता हूं, जितना भी उड़ेलता हूं, फिर भर भर फिर आता है। माने जितना ही स्नेह अपने हृदय से व्यक्त करता हूं, बांटता हूं, उतना ही बार बार ये फिर से भर जाता है। माने मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति प्रेम की, स्नेह की कमी नहीं होने पाती है। मेरे हृदय में प्रेम का कोई झरना महसूस होता है। जहां झरना होता है वहीं, माने जहां कुछ आता रहता है वहीं कमी नहीं होती है। बाकी कोई भी चीज है हम बांटेंगे तो खर्च ही होगी, कम ही होगी। तो इसलिए कवि कह रहा है कि मेरे हृदय में ऐसा महसूस होता है कि कोई झरना है जिससे लगातार स्नेह बरस रहा है, स्नेह की वर्षा हो रही है। और या हृदय में प्रेम का कोई मीठा स्रोत है जिससे लगातार स्नेह जल छलकता रहता है। और कवि कह रहा है भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। कवि यहां लिख रहा है कि मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है, मेरे हृदय के भीतर तुम्हारा प्रेम है, और इस प्रेम पूर्ण हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। मेरे हृदय में तुम्हारा प्रेम समाया हुआ है और इस प्रेम पूर्ण हृदय के ऊपर तुम विराजमान हो। मुस्काता चांद यों धरती पर रात भर, कब फिर कह रहा है तुम्हारा यह खिलता हुआ मुख मेरे हृदय में, मेरे हृदय में हमेशा इस प्रकार रहता है जिस प्रकार पूर्णिमा का चांद रात भर आकाश में अपनी चांदनी बिखेरता रहता है। आपने देखा होगा कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा जो है पूरी रात अपनी छटा को बिखेरता है। तो कवि ने अपनी प्रियतमा के चेहरे को, अपने प्रिय के, प्रियतमा नहीं कह सकते, प्रिय ही कहेंगे, कोई भी हो सकता है, अपने प्रिय के चेहरे को चंद्रमा के समान बता रहा है। और भी कैसा चंद्रमा, जो पूर्णिमा को उदित होता है। तो पूर्णिमा के चांद के समान उसके प्रिय का चेहरा जो है रात भर माने हमेशा उसके ऊपर अपनी छटा बिखेरता रहता है। और अगले पद में फिर कवि लिख रहा है, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहालू मैं। इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का यह रमणीय या उजेला अब सहा नहीं जाता, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम हो गई है वह आत्मा, यह छटपटाती छाती की भविदव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। तो
कवि यहां फिर से तीसरे पद में लिखा कि अपने प्रियतम से, अपने प्रिय से, प्रियतम नहीं कहेंगे, ध्यान रखें, प्रिय से प्रार्थना करता है कि वह उसे भूल जाना चाहता है। कवि अपने प्रिय को भूल जाना चाहता है, लेकिन फिर यह कह रहा है कि उसे भूलना उसके लिए एक दंड है। अगर कवि उसको भूल जाता है तो कहीं ना कहीं वो किसी प्रकार से दंडित हो रहा है, अपने आप से दंडित हो रहा है, बहुत बड़ा दंड है, फिर भी वह इस दंड को स्वीकार करना चाहता है, झेलना चाहता है। कवि चाहता है कि उसका जीवन अपने प्रिय के वियोग के कारण दक्षिण ध्रुव जैसे अनंत अंधेरे में डूब जाए। माने दक्षिण ध्रुव ऐसा है जहां हमेशा अंधेरा ही रहता है, तो कवि वहां चला जाना चाहता है, उस अंधेरे में डूब जाना चाहता है, अपने प्रिय से अलग होकर के, अपने प्रिय को भूल करके। दक्षिण ध्रुव अंधकार अमावस्या, हाँ, और वियोग की गहरी अमावस उसके चेहरे पर, शरीर पर, हृदय में छा जाए। अमावस को आप जानते हैं कि रात काली ही होती है, अमावस की रात काली ही होती है। माने कब ये चाहता है कि उसके जीवन में वियोग की गहरी अमावस उसके चेहरे पर, शरीर पर, हृदय में छा जाए और वह उस वियोग वेदना को भरपूर झेले और उसमें नहा ले। माने पूरी तरह से उस वियोग वेदना से, उस वियोग से वो पूरी तरह उसमें डूब जाए। नहाने का मतलब है कि पूरी शरीर पर चारों तरफ हर जगह जो है उस वेदना का आभास होता रहे। उसका कारण बता रहा है, कारण यह है कि उसका वर्तमान जीवन अपने प्रिय से पूरी तरह घिरा हुआ है। माने हमेशा, जैसा कि पीछे आपने पढ़ा कि उसके प्रिय का चेहरा जो है हमेशा उसके ऊपर अपनी छटा बिखेरता रहता है, तो वही कह रहा है कि प्रिय से पूरी तरह उसका वर्तमान जीवन जो है घिरा हुआ है, अप्रिय उस पर पूरी तरह से छाई हुई है, छाया हुआ है। माने अपने प्रिय की छाया में ही वो रह रहा है। फिर भी कवि कहता है यद्यपि प्रिय का स्नेह का उजाला बहुत मनोरम है, प्रिय का जो स्नेह प्राप्त होता है वह बहुत ही मनोरम है और जो अब उसके लिए असहनीय हो गया है, उसके लिए असहनीय हो गया है, क्योंकि उसके मन में प्रिय की ममता बादलों की तरह हमेशा मंडराती रहती है और यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। कवि अपने प्रिय की ममता से पीड़ित हो रहा है, इसलिए उससे अलग होना चाहता है, हाँ, पीड़ा पहुंचाती है जिससे उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ हो गई है। उसकी आत्मा क्या हो गई है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा। या फिर प्रिय के अभाव को वो पूरी तरह से झेलने को तैयार है इसी कारण से, हाँ, और कह रहा है कि प्रिय की ममता बादलों की तरह हमेशा मंडराती रहती है और यही कोमल ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है, जिससे उसकी आत्मा क्या हो गई है, कमजोर और असमर्थ हो गई है और उसे भविष्य की आशंकाएं भयभीत करने लगी हैं, डराने लगी हैं। प्रिय के अभाव में उसका जीवन कैसे व्यतीत होगा, वो सोच रहा है कि प्रिय जब हमारे साथ नहीं होगा, मैं उससे अलग हो जाऊंगा, उसे भूल जाऊंगा, तो मेरा जीवन किस प्रकार से व्यतीत होगा, यही भय उसकी छाती में छटपटाहट पैदा कर रहा है। छटपटाती छाती की वो भवितव्यता डराती है। माने कहने का कि क्या होगा उसके बिना, यह चीज उसकी छाती, उसके अंदर दिल में भय पैदा कर रहा है, छटपटाहट पैदा कर रहा है। इसलिए उसे अब अपने प्रिय को बहलाना, सहलाना और रह रहकर अपनापन जताना सहन नहीं होता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कहने का भाव यह है कि जो प्रिय, उसका जो प्रिय है उसको, उसके मन को बहलाता है, उसके ऊपर हाथ फेर कर उसको सहलाता है या अपनापन जताता है, यह उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वह अब आत्मनिर्भर बनना चाहता है, उसके स्नेह के बिना अपने पांव पर
खड़ा होना चाहता है। अगला पद है इसमें अंतिम पद, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, के विवरों में धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, वह सभी वह तुम्हारे ही कारण है। कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है, अब तो जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस पद में कवि फिर अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कह रहा है कि हे प्रिय, तुम मुझे सचमुच दंड दो, तुम मुझे सचमुच दंड दो, और ऐसा दंड दो कि मैं पाताल की अभेद्य अंधेरी गुफाओं में भीषण सुनसान अकेली सुरंगों में दब घुटू धुएं के बादलों में विलीन हो जाऊं, इस तरह से मुझे दंडित करो। मैं पाताल की अभेद अंधेरी ऐसी अंधेरी गुफा में चला जाऊं जहां कोई नहीं पहुंच सकता और जहां पूरी तरह से भीषण सुनसान है, कोई नहीं वहां पर, और ऐसे बादलों के धुओं में जो दम घुटू होते हैं, जहां दम घुटने लगता है, ऐसी जगह जाकर के मैं विलीन हो जाऊं, बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं, मेरा जीवन धुएं अर्थात घुटन में दबकर समाप्त हो जाए, इस तरह से मुझे दंडित करो, अकेलेपन से पीड़ित हो जाए। मैं उस अकेलेपन और लापता होने की स्थिति में भी प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि कब कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाता है, मैं कहीं विलीन हो जाता हूं या मेरा दम घुट जाता है, तो भी मैं प्रसन्न रहूंगा, क्योंकि मुझे वहां भी यही सहारा होगा। मेरी उस स्थिति के कारण मैं कारण बन रही बनकर तुम ही उपस्थित हो, क्योंकि मैं वहां भी तुम्हें उपस्थित ही मानूंगा, इसका कारण भी मैं तुम्हें ही मानूंगा, माने तुम्हारी याद जो है हमारे पास हमेशा बनी रहेगी, इसलिए मैं तुम्हारी याद के सहारे मैं वहां भी प्रसन्न ही रहूंगा, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है या संभव है, वह सभी वह तुम्हारे कारण है, कि कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। कब लिख रहा है कि वहां भी मुझे तुम्हारी यादों का सहारा होगा, तुम्हारी यादें मुझे अकेलेपन के संतरात में भी प्रसन्न रखेंगी, माने मैं अकेला भी रहूंगा, वहां कोई अगर किसी तरह का भय होगा तो तुम्हारी यादें जो हैं उनको सोच करके तुम्हारी यादों के सहारे मैं प्रसन्न रहूंगा। मुझे जैसा विश्वास है कि मेरी जो कुछ भी सत्ता है, जो स्थितियां हैं या हो सकती हैं, जो संभव है या संभव सा लगता है, मेरी उन्नत या अवनत की जो भी संभावनाएं हैं, ये सब तुम्हारे कारण है, माने मैं अगर लाभ में हूं या नुकसान में हूं, उन्नति है या अवनति है, किसी भी तरह का जो भी कारण है, उसमें तुम कहीं न कहीं सहभागी हो, तुम्हारे कारण से हैं, तुम्हारे प्रेम से संचालित होकर मैंने जो कार्य किए, तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी प्रेरणा से जो भी कार्य मैंने किया है, उन्हीं कार्यों का परिणाम मेरा वर्तमान है, उन्हीं कार्यों के कारण मैं आज हूं, मैं इस स्थिति में हूं। आशय यह है, कवि यह बताना चाहता है कि तुम्हारी प्रेरणा के कारण मेरा जीवन चाहे बना है चाहे बिगड़ा है, लेकिन कहीं न कहीं उसकी प्रेरणा स्रोत तुम ही हो। फिर कवि अंत में कह रहा है कि हे प्रिय, मेरे जीवन में जो कुछ भी अब है अथवा पहले था, उसे मैंने प्रसन्नता पूर्वक इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि तुमने मेरी सुखद व दुखद सभी स्थितियों को अपनाया है, उनको अपना मानकर प्यार किया है,
तुम मेरे पूरे जीवन से जुड़ी रही हो, इसलिए मेरे जीवन में जो कुछ भी है उसको मैं खुशी खुशी प्रसन्नता पूर्वक मैं स्वीकार करता हूँ। थैंक यू।